गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। हम चैप्टर कर रहे थे परसेंटेज, आपका पार्ट 11। आज हम परसेंटेज में ही आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आइए चलो करते हैं क्वेश्चन। परसेंटेज में हमने मैं दो चीजें बताई थी कि जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो, फाइंड आउट परसेंटेज, तब आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई 100 से करना होता है ना। और जब आपको प्रतिशत दिया गया हो, गिवन हो परसेंटेज, तब आपको डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, ये बातें सभी को रिमेंबर होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपका कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। कितने से? 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कितने वोट पड़े बताना, कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। यह देखिए, जीतने वाला आपका जो जीता है और जो हारा है, हारा कितना, 40% बचे। अब 60% से क्या हुआ, इसे जीतने वाले 60% मिले ना, और जो बाकी बचे हारने वाले 40%। अब इनका डिफरेंस कितना आपका, 20% है ना। और आपको बताया कि 1800 वोट ज्यादा मिले हैं, क्या मिले हैं, 1800 वोट आपको ज्यादा मिले हैं, मतलब आपके 20% और 1% किसके बराबर होगा आपका, 1800/20 कितना जाएगा, 90। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा कि 90 वोट। ठीक है, अब क्या पूछा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, 1% आपका कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। अगर आपका 1% 90 के बराबर है, तो फिर 100% आपका कितने के बराबर होगा, 90 × 100 फिर दीजिए 90 000 9000। तो कुल कितने हजार वोट पड़े, 9000 आपके वोट पड़े। दोबारा समझ लीजिए, जीतने वाले को 60% मिले थे, तो जो बाकी रह गए वो 40, क्योंकि 100% में से ही निकालेंगे ना, तो डिफरेंस कितना आया इनका, 20% का आया। और बताया कि जो जीता वो 1800 वोटों से जीता है। ठीक है, तो आपका 20% 1800 के बराबर है, 1% आपका 90 वोट के बराबर होगा। 1800/20 करेंगे हम, और फिर हमें 100% का निकालना, तो गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, 9000 आ जाएगा। आगे देखिए कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपको पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। आगे बताया एक विद्यार्थी को 32% प्राप्त अंक हुए। विद्यार्थी था, उसको कितने, 32% अंक प्राप्त हुए, तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, कितने अंकों से फेल हुआ, 24 अंकों से। डिफरेंस देखिए, सेम करेंगे, डिफरेंस देखिए कितने का, 32 का और 8 का, 8% का, कि 8% से ही तो फेल हुआ है ना वो, मतलब बताया गया 24 अंकों से फेल होगा, 24 अंक का हमने निकाल लिया, 8% निकाल लिया, तो 1% आपका किसके बराबर होगा, 24/8 काटेंगे, 8 × 3 = 24 कितने, 1% आपका कितने के बराबर है, 1% आपका 3 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है कि परीक्षा में कितने अंक थे कुल, 100% कितने के बराबर होगा, 300, कोई डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत आती तो हमसे बोलो, ऐप पे जाइए और हमें बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चनों में समस्या आ रही है। ठीक है, आगे दिया गया कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं,
मान लीजिए हिंदी में पास कितने होंगे 80%, ठीक है, तथा 85% गणित में, 85% आपके मैथ में हुए और हिंदी में हुए आपके 80%, तथा 75% दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए कितने हुए, दोनों में 75% पास हुए आपके, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपने क्या करना, हिंदी और मैथ वाला देखना है, हिंदी और मैथ में कितने हुए आपका 80 प्लस 85, आपका कितना हो गया 165, ये तो क्या हो गया आपके पास वाले हो गए, ठीक है। अब आपको परसेंटेज निकालना कि कितने प्रतिशत पास हुए, ठीक है, ये परसेंटेज है, ठीक है, 100 में से ही होगा, आपको क्या करना है, ये दोनों वाले निकाल लेने, 165 में से आपने 75 निकाल दिया तो आपका कितना बचा, ये बचा आपका 0 से 5 जाएगा 0 और ये 16 में से 7 जाएगा आपका 9, तो 90% क्या हुआ आपके विद्यार्थी पास हुए हैं। और फिर अब बताना है कि तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, अब आपने निकाल लिया कि 90% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 100 माइनस 90% कितना हुआ आपका 10%, क्या हुए 10% आपके विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। अगला देखिएगा कि गांव की जनसंख्या 8000 है, देखिएगा एक गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, एक गांव की जनसंख्या 8000 रुपए है और बताया गया है कि आपकी प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 100 थी, 100 से कितनी हो रही है 110 हो रही है, यहां भी 100 से क्या हो रही है 110 हो रही है, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, 8000 हमारी जनसंख्या थी, 2 साल के लिए 110 बटे 100 कर देंगे, कर दीजिए, 4 0 है, 3 इधर 0 1 इधर 0, ठीक है, अब इनका मल्टीपल कीजिए, 11 और 110 है, 11 11 कितना होता है, स्केल कितना होता है 121, सही है, 121 जीरो की जीरो गुणे में 8 8 से मल्टीपल कीजिएगा 0 आएगा, 8 1 8 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 और 1 कैरी था 9, तो 9 6 8 0 क्या होगी 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए है, यदि प्रति वर्ष 20% की कमी हो, क्या हो कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए है, यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन हो, कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, बताइए, अब क्या हो रही है 20% की कमी हो रही, 100 था तो कितना 20% की कमी होगी तो 80 होगा, तो क्या रहेगा आपका 12,800 गुणा में 100 बटे 80 गुणा में 100 बटे 80, क्यों, क्योंकि 20% की कमी हो रही है हमारी ओरिजिनल वैल्यू में, है ना, बाद कीजिए 20 से 20 गई आपकी, अब काटिए 4 2 8 और ये जाएगा आपका 25 पे, इसको काटिए 2 6 12 और 2 4 8
जीरो जीरो ये जाएगा 8 64 800 और गुणा कर दीजिए 25 8 कितने होते हैं आपके 25 8 200 और 2 0 की 0 कितना आ गया आपका 20,000 रुपए क्या था उसका मूल्य था 20,000 रुपए क्या था उसका मूल्य था 2 साल पहले क्या हुआ कि 12,800 रुपए का कोई फ्रिज मिल रहा अभी और बता रहा है कि 20% की हाँ कमी हो रही है प्रति वर्ष पहले वर्ष 20 की हुई तो 100/80 होगा फिर सेकंड वर्ष आपकी 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 100/80 काट दीजिए काट के आपका 20,000 रुपए आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं आपको बताया गया किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की कर दी जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा तो एक बार देखिए आपके पास ओरिजिनल वैल्यू क्या 100 ही है आपको बोला गया कि पहले 20% की 100 पे 20% की वृद्धि कितना हुआ आपका 120 20% की वृद्धि हो रही सीधा 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा और बोल रहा फिर 10% की कमी भी हो रही है 10% की कमी हो रहा है तो 100 पे कमी होगी तो क्या होगा आपका 90 कमी हो रही है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि आई बताएंगे तो आपने क्या करना है यहाँ पे क्या करेंगे बताइए आपने सीधा करना है कुछ नहीं करना है यहां से ये कितना हुआ आपका बताइए क्या हुआ 120 की तो क्या हुई आपकी वृद्धि होने के बाद और कमी होने के बाद आपका क्या हो रहा है 90 हो रहा है तो देखिएगा 120 गुणे 90 120 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 काट दीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना है प्रतिशत तो हमें दिया ही गया है तो कीजिए 12 9 जा कितना होता है 108 होता है आपका कितना हो गया 108% हो गया और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी 100 थी तो 100 में से 108 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 8% तो क्या हुआ 8% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है आपको दोबारा समझिएगा पहले 20% की का लाभ हुआ या बढ़ोतरी भी 120 हो गया सौ से फिर कमी हुई 10 की 90 हो गया ठीक है फिर आपने आपसे परसेंटेज तो दिया गया कहीं आपको बता रहा दिया गया तो आप क्या करेंगे निकालेंगे मतलब डिवाइड बाई 100 करेंगे 2 0 से 2 0 जाएगा और 12 के 9 की गुणा करेंगे तो 108 आएगा 108% आपका हो गया है मतलब पहले कितना था 100 तो आपको 8% का बदलाव हो रहा है मतलब 8% का लाभ हो रहा है ठीक है आगे देखिए बताया गया कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है देखिएगा किसी आयत की लंबाई में ओरिजिनल वैल्यू 100 थी लंबाई में 10 की वृद्धि करेंगे 110 होगा और फिर क्या बोल रहा है चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा कमी हुई 10 की अगर बढ़ोतरी हुई थी तो 110 हो गया कमी होगा तो आपका क्या होगा 90 होगा ठीक है तो पूछा गया कि वृद्धि बताइए क्षेत्रफल में कितनी होगी क्या होगा वही हम प्रतिशत हमें दिया गया है जो अभी पहले वाला क्या था 2 0 से 2 0 11 9 कितना होता आपका 99 और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपके पास 100 में से ये छोटा बढ़ रहा तो क्या हुआ 1% रह गया 1% की क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है ठीक है अगला देखते हैं
अगला बताया गया आपको कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 20% की कमी हो गई, तो आपका क्या आ गया, 80 रुपए हो गया। ठीक है, खपत में कितने कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। आपने क्या किया कि हम क्या हमसे पूछे कितने प्रतिशत करें खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें। अब हमें क्या है कि मूल्य तो कम हो गया, वृद्धि करनी है किसमें, खपत में, अपना जो खर्चा है ना जो चलाते हैं उसमें कमी करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 80 और 100 का, किस पे, 20 पे, वो आप ओरिजिनल वैल्यू आपकी 80 बन गई, क्योंकि हमने 80 पे बताना ना वृद्धि कितना, अगर हम 100 पे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम किस पे करेंगे, 80 पे करेंगे और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत खपत में वृद्धि करनी होगी, तो कीजिएगा 24 × 80, 4 से काटेंगे कितने पे जाएगा, 4 × 2 = 8, बचा 2, 4 × 5 = 20, कितना करेंगे हम 25% वृद्धि करेंगे, तब जाके वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब जाके खर्च में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि ए की आय, ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, माना बी की आय 100 है तो ए की तभी तो 20% अधिक होगी ना, 120 है ना, तो पूछा गया कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे पूछा गया बी की आय ए से कितना प्रतिशत क्या है, कम है ना, हम बी की निकाल रहे हैं तो ए की लेंगे, कितनी कम है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20% कम है, कितने पे, 120 पे, गुणे में 100, काट दीजिए 0 × 0 = 2 × 6 = 12, कट रहा है, अब 100/6 रह गया, काट दीजिए कितने पे जाएगा, 6 × 6 = 4, 6 × 6 = 36, 40 था, अब बचा कितना, बचाइए आपका बचा 4, काट दीजिए आपका आ गया 16, सही 2/3 क्या होगा, कमी हो, कम है, कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% आपकी क्या है, कम है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, भिन्न का अंश न्यूमिनेटर में क्या कर दिया जाता है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा हर में 10% की कमी कर दी जाती है डिनोमिनेटर में, कितने की, 100 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 90 होगा, 10 की वृद्धि हुआ तो 110 और कमी होगा तो आपका 90 होगा, तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, 11/15 आपको क्या होता है, प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, कर दोगे, ठीक है, यहां से काट के देख लीजिए, मूल भिन्न ज्ञात करनी है, हम इनको इधर एज इट इज रखेंगे, n/d रखेंगे, यहाँ पे 11/9 बचा है, उधर क्या है 11/15, और ये उधर जाके, ये उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 9/11 हो जाएगा, 11 से आपका 11 जाएगा, काटिए 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो आपके मूल भिन्न क्या आ गई, 3/5,
क्या गई, मूल भिन्न आ गई। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन बताया गया है कि रमन की सैलरी 50% कम हो गई है, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई है, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, बताइए बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन कि रमन की सैलरी 50% कम हो गई है, क्वेश्चन आपके लिए है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई है, फिर उसके बाद 50% फिर बढ़ गई है, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान होगा, बताइए। 50% की कमी हो गई, कितना हो गया, 100 में से 50 हो गया, और फिर क्या हुआ, मान लीजिए देखिए 100 था, 50% की कमी होगी तो क्या हुआ, 50 रह गया, और फिर क्या हुआ, 50 की बढ़ोतरी हो गई तो 150 हो जाएगा आपका, गॉट इट, कितना होगा 150 हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है 100 से, प्रतिशत दिया गया है 100 से, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, काट दीजिए कितना आएगा, 15 75% सैलरी है अभी उसकी, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, ओरिजिनल वैल्यू 100 थी अभी कितनी है 75, तो कितने की कमी हुई, 25% लॉस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा कि 6.4 आपको दिया है, 6.4 और 0.04 का कितना प्रतिशत है, पूछा गया कि ये इसका कितना प्रतिशत है, पूछा गया कि 6.4 आपका 0.04 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल दीजिए आप, निकालेंगे 6.4 अपॉन उसको डिवाइड में कर देंगे 0.4 कर दीजिए, काट दीजिए, यहां से ये पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक के बाद लगा आपका पॉइंट, यहां पे दो के बाद लगा, इसको खत्म करोगे तो मल्टीपल में 100 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कितना बचा आपका, 640 अपॉन 4 काट दीजिए, 4 बनता 4 बचा 2, 4 6 जा 24, 160 क्या गया, कितना प्रतिशत आपका 160। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन कि 20,000 का आपको दिया गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप, जो होना था आपका हो गया है, जो ट्रिक्स जो आपके बेसिक होने पे हो चुके हैं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे दिया गया है कि 20,000 का 20% का 15% का 10% क्या हो गया, आपको दिया गया है 20,000 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। ठीक है, ये आपको दिया गया, आपने कुछ नहीं करना, बता था सीधा करना आपने, 20,000 का 20% प्रतिशत दिया गया तो अपॉन में 100 गुणा में का मतलब गुणा होता है बोर्ड मास से, कराएंगे आपको आगे बोर्ड मास भी कराएंगे कि बोर्ड मास से कैसे आप क्वेश्चन करते हैं या कैसे करना चाहिए। फिर 15 है, 15% दिया गया तो अपॉन 100 फिर आगे का फिर गुणा होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है, 10 दिया गया अपॉन फिर 100 काट दीजिए, 4 जीरो से 2 जीरो यहाँ गई, 2 जीरो इधर गई, ये तो गया खत्म आपका, 2 जीरो से फिर ये वाली जीरो इधर गई, ये वाली जीरो इधर गई, बचा क्या आपका 2 और 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जा 4 और 4 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा आपका 16, तो आंसर क्या हुआ आपका, कितना हुआ, 60 होगा। ठीक है,
आगे देखिएगा ऐसा ही दिया गया है कि हजार का आप आपको करना, ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक हजार दिया गया है का 25% का 1% का 1% क्या होगा। आपको दिया गया है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, यह आपको निकालना है। ठीक है, सेम एज इट इज ये ऐसे ही होगा, आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा सेम ऐसे ही निकालना है। क्या करना है, 1000 करना है इंटू में 25% के लिए 100, फिर 1/100, फिर 1/100 और सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या देखना आपने, यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया, तीन संख्या दी गई है और बताया गया है कि तीसरी संख्या का ये दो संख्याएं पहली और दूसरी 30% और 40% है। आसान करने के लिए हम 100 मानते हैं, है ना, 100% है तो उसका 30% कितना होगा, ए वाली 130 होगा, बी वाली 140 होगा क्योंकि 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, तो पूछा गया तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत होगा, निकालिएगा। पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 140 और पहली क्या है 130, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट दीजिए, ये आ गया आपका 1400, अब कौन में आपको कितना आ गया 13 आ गया, काटिएगा, ये जाएगा इस पे। ठीक है, 13 × 13 बचा 1, 10 ना चलने के लिए 0, बचा 100, 13 × 91, 13 × 7 कितना होता है 37 × 91। ठीक है, बचा कितना आपका 9, फिर उतारेंगे फिर कितने पे चलेगा आपका, कितने पे चलेगा 6 पे चलेगा, ये आ गया आपका परसेंटेज, कितना प्रतिशत अधिक है वो इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब आपको दिया गया कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बदलो, 1/2% दिया गया है आपको, आसान सा क्वेश्चन है, 1/2% दिया गया है, बताएगा कि इसका मान दशमलव भिन्न में बदलो कि दशमलव भिन्न में क्या होगा, हमें बताया गया कि प्रतिशत दिया गया है तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 100 करते हैं, कितना होगा 1/2 × 200 और 1/200 को डिवाइड कर दीजिए, क्या जो क्या होगा, अगर 1/200 दिया गया है, 1 को अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं 200 को, अगर काटेंगे ना चलने के लिए 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, उतारी 0 फिर भी नहीं चला, फिर उतारी 0 फिर भी नहीं चला, फिर उतारी 0 और 200 फिर जा कितना होता है 1000, कितने पे चला 5 पे, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.005
क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आपको दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों में अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है। बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 में, लड़के बॉयज और गर्ल्स 2, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, 20% क्या है लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां लेती हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपका कितना होगा, तो कर दीजिए। यहाँ पे छात्रवृत्ति कितने नहीं ले रहे हैं, लड़के 80% और लड़के कितनी नहीं ले रही हैं, 70%। ठीक है, अब ये जो नहीं ले रहे वो पूछा गया है 3, आपका जो 3 वाला रेशियो है वो कितने 80 के बराबर। ठीक है, तो कर दीजिए, कर देंगे, कीजिएगा 80 × 3 अपॉन 100, काट दीजिए 0 से 0 जाएगा, 8 × 24/10 इसके लिए पॉइंट 2.4। ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या नहीं ले रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब उसका सेम एजिटीज ऐसे निकालिए, 70 × 2/100 क्योंकि प्रतिशत तो आपको दिया गया है, तो कितना होगा 14/10 बचा, 10 के लिए पॉइंट 1.4। टोटल कितने हो गए विद्यार्थी, पूछा गया कि कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, कितने प्रतिशत, 2.4 आपका ये हो गया, 1.4 आपका ये हो गया, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1.4 और 2.4 आपका 3.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.8। और टोटल कितने जो ले रहे हैं, 3 ये है, 2 ये है, 5 तो ले रहे हैं और उनमें से 3.8 आपके नहीं ले रहे हैं, तो 3.8 अपॉन टोटल क्या हो गया 3 और 2 5 और इनटू में 100, पॉइंट के लिए आपका नीचे 10 जाएगा, पॉइंट खत्म कर दिया 0 से 0, 5 × 10 और ये कितना आ गया आपका 38 × 76%। ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या नहीं ले रहे आपका छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आया है, तो यदि 120 एक संख्या का 20% हो, यदि पहले साफ कर लेते हैं, बताया गया कि यदि 120 आपका एक संख्या के 20% हो, ठीक है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यहां से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, 120/20 कर दीजिए, 1% आपका कितने के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया, 26 × 120 कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया आपका। ठीक है, और बताया गया कि 1% आपका 6 के बराबर आ गया, पूछेगा कि 120% कितना होगा, तो 6 × 126 कितना हो जाएगा, कीजिएगा 12 × 6 = 72, 0 की 0 तो कितना हो गया आपका 72 आ गया, कितना आ गया 72। आज की क्लास में इतना ही था, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ,
नए ट्रिक के साथ, नए बेसिक के साथ जुड़े रहिएगा मेजर सिग्नल डिफेंस एकेडमी के साथ, और मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद दोस्तों।